हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 24th ऑफ मई से लेके 30th ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस, Seven of Swords, Five of Wands, Judgment, the High Priestess, and the Magician. Okay. तो हमारे पास है Judgment. Judgment के साथ ये person ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप ऑब्वियसली उन्हें उतना पसंद नहीं करते जितना कि आपको करना चाहिए। ये पर्सन काफी इंटरेस्टिंग है और इनके अकॉर्डिंग ये बहुत अट्रैक्टिव भी है। दूसरे लोग जिस तरीके से उनके क्लोज आ जाते हैं बहुत जल्दी, वो रिस्पांस उन्हें आपसे देखने को नहीं मिल रहा। उन्हें लग रहा है लियो कि पता नहीं आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्यों उनके क्लोज नहीं आते। इस पर्सन को लगता है जरूर आप उन्हें जज करते होंगे, आप कंपेयर करते होंगे खुद को उनसे एंड उनकी कमियां निकालते होंगे, उनके बारे में नेगेटिव सोचते होंगे। सो ये पर्सन अपने ही मन में बहुत सारी स्टोरीज बना रहा है। ऑफ कोर्स इसके लिए आप रिस्पांसिबल नहीं है, ये आपका कोई बिहेवियर रिस्पांसिबल नहीं है। ये पर्सन अभी आपको अच्छी तरीके से जानता नहीं। मे बी आप एक नए रिलेशनशिप में हैं, या हो सकता है आपके एक्स के बारे में ये कहानी हो जिसका ब्रेकअप हो चुका है आपसे एंड अब ये पर्सन दोबारा आपको देख रहा है और सोच रहा है कि क्या बात है, लियो ने मुझे कभी अप्रोच क्यों नहीं किया, आखिर लियो मुझ में उतने इंटरेस्टेड क्यों नहीं लग रहे जितना कि हर कोई, लियो जरूर कुछ मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचते होंगे, लियो मुझे जज कर रहे होंगे, लियो को ये प्रॉब्लम होगी मुझसे, वो प्रॉब्लम होगी मुझसे। तो ये जो सारे थॉट्स है ना उनके, वो बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं उन पे। ओके, एंड इस पर्सन को लगता है कि ये आप हैं। ये पर्सन दरअसल अपनी सोच के अकॉर्डिंग आपको देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो ऐसा सोच सकते हैं तो आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। सो बेसिकली ये पर्सन अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है आपके ऊपर एंड उन्हें लगता है कि ये आपकी इमेज है। सो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है लियो, और आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली कभी भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा, एक तरीके से ऑब्सेस्ड है। लगातार आपके बारे में सोचना इस पर्सन को इस हद तक परेशान कर रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई रीजन ढूंढ रहा है आप ही को ब्लेम करने का। ऑल्सो सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर ये आपके एक्स हैं तो हमेशा से ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहा, इवन इफ अगर ये आपसे दूर चले गए थे तो भी ये हमेशा पीछे मुड़कर पास्ट की तरफ ही देखते रहे। हमेशा इनके मन में आपका ख्याल रहा और उसे वो कभी निकाल नहीं पाए। इनकेस ये आपका करंट रिलेशनशिप है तो ये पर्सन हमेशा आपको देखता रहता है, आपको समझने की कोशिश करता है एंड उन्हें लगता है कि ये सब कुछ वर्क करेगा। सो ये पर्सन अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो रास्ता होगा। ये पर्सन आपको देख ही इसलिए रहा है, ऑब्जर्व ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई तो मौका मिलेगा जिससे वो फिर से आपके लाइफ में वापस आ सके। फाइव ऑफ वांड्स के साथ ये पर्सन जैसे लगता है कि कोई लड़ाई कर रहा है। ओके, ऐसी लड़ाई जो उनके लिए बहुत टफ है। ये है अपने ही ईगो से लड़ने के बारे में, ये है अपने ही फीलिंग से लड़ने के बारे में। वो फीलिंग्स जो इन्हें बहुत प्यारी भी है, ये ऐसा ही है जैसे आपको कोई चीज बहुत पसंद हो एंड फिर भी आपको उसे नो करना पड़े बिकॉज आपको लगता है कि आप उस चीज को पा नहीं सकते फॉर वन रीजन और अनदर रीजन, या कोई ऑब्स्टेकल है, कोई रेस्ट्रिक्शन है। ये ऐसा ही है जैसे आपका फेवरेट फूड सामने हो और आप उसे किसी रीजन से खा ना पाए, आपको लगता है कि वो आपको और सिक कर देगा या अनहेल्दी कर देगा। तो ऐसी ही सिचुएशन से ये पर्सन गुजर रहा है। उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें लगता है कि
शायद उन्हें जज किया जाएगा या आप उन्हें उतना पसंद नहीं करते। द हाई प्रिस्टेस को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस पर्सन को लगता है कि वो आपको समझते ही नहीं है। आप एक मिस्ट्री हैं, हालांकि एक खूबसूरत मिस्ट्री जो इन्हें अट्रैक्ट करती है, बट एट द सेम टाइम इन्हें यह भी लगता है कि आप कभी कभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। आपको समझ पाना, आपको अप्रोच करना, ये उनको लगता है पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम द मजिशियन का कार्ड है आपके पास, तो आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं लियोस। एंड अगर आप वाकई में इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, तो हो भी सकता है कि ये पर्सन इसी वीक में आप तक चला आए, बिकॉज ये जो एनर्जी है, ये जो अट्रैक्शन है, वो म्यूचुअल है। समहाउ आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड है और ये कनेक्शन आप दोनों को बहुत दूर लेके जाएगा। एंड फिलहाल अगर आप चुप भी हैं, एक दूसरे से बातें ना भी करें, तो एक दूसरे की फीलिंग्स समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। ये फीलिंग्स वही है जो आप महसूस कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप एनर्जेटिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जो भी आप महसूस कर रहे हैं, समझिए कि वैसा ही ये पर्सन भी महसूस कर रहा है। इनफैक्ट कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको इस वीक में। फॉर नो रीजन आपको खुशी महसूस हो सकती है, फॉर नो रीजन आप सैड हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी वजह क्या है, बट द थिंग इज कि हो सकता है ये इस पर्सन की फीलिंग्स है जो आप तक पहुंच रही है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। द डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड द लवर्स। ओके, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है इस पर्सन ने किसी और को चूज किया हो या कुछ और चूज किया हो आपके अलावा, कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन। एंड अब इस पर्सन को अपने कर्मा से डील करना पड़ रहा है। द डेविल के कार्ड के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके ऊपर चूज किया या जो कुछ भी उन्होंने प्रायोरिटी रखी अपने लिए, वो प्रायोरिटी अब उन्हें इस डेविल की तरह नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि वो सारी चीजें इनकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि सब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इनफैक्ट टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अपसेट है, रिग्रेट कर रहा है, पूरी तरीके से अकेला महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये लेसन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, क्योंकि द एम्परर का कार्ड भी है यहाँ पे, तो ये पर्सन काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, अपने बारे में ही सोच रहे थे। और थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में भी वो इसीलिए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें हर कहीं से इम्पोर्टेंस मिलेगी, वो हर किसी का एडवांटेज ले सकते हैं और सारी चीजें परफेक्ट रहेंगी। बट अब ये पर्सन अपने कर्मा से डील कर रहा है, लगता है जैसे इन्हें कोई वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे इन्होंने आपको किया। और अब इस पर्सन को लगता है जैसे कि होश आ चुका है, वो नींद से जाग चुके हैं। द लवर्स के कार्ड के साथ ये पर्सन फिर से उसी प्यार को मिस कर रहा है, उसी कनेक्शन को मिस कर रहा है जो इनके पास था, बट इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये पर्सन अब चाहता है कि पॉजिटिव चीजें वर्क करें। यहाँ पे डेविल है लवर्स के बीच और यहाँ पे एंजल, तो ये पर्सन चाहता है कि पुराने ऑब्स्टेकल्स को निकाला जाए और पॉजिटिव प्रस्पेक्टिव से चीजों को देखा जाए। ये पर्सन खुद पे भी वर्क करना चाहता है और चाहता है कि आप दोनों इस बार जब साथ हों तो बेहतर तरीके से चीजें आगे बढ़ें। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। ओके, ये खुद ही आ गया। एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो शायद इस पर्सन को जो हीलिंग चाहिए वो आपसे ही मिलेगी, इसलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। आपका प्यार ही इन्हें हील कर सकता है, ये बात इन्हें समझ में आ गई है और इसलिए ये पर्सन वापस आने के फिर से रास्ते ढूंढेगा।
ओके तो ये है दी डेंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.